नमस्कार दोस्तों, मंजू आर्ट्स में आपका स्वागत है। अब हमें राधा जी का फेस कलर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जहाँ फेस ड्रॉ किया है उस एरिया को पानी से गीला कर रही हूँ, ब्रश में पानी लगाकर। फेस को रियलिस्टिक लुक देने से पहले मैं इस पर एक बेस कलर की लेयर डालूंगी, और इसके लिए मैंने स्किन कलर बनाया है रेड, ब्राउन, ऑरेंज, येलो, वाइट वगैरह को मिलाकर स्किन कलर बनाया जाता है। और किस कलर की कितनी क्वांटिटी मिक्स करनी है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा स्किन टोन चाहिए। तो अगर आपको स्किन कलर बनाना सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी और आपको डिफरेंट टोन्स बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने एक लाइट ब्राउन जिसमें ऑरेंज वगैरह मैंने मिक्स किया है, ये स्किन कलर बनाया है, और इसको मैं बेस की तरह पहले एक साइड में कर रही हूँ फेस के एक साइड में, दूसरा मैं थोड़ा डार्क रखूँगी। और ये देखिए मैंने इसमें उससे थोड़ा एक लाइटर शेड बनाया है जिससे मैं हाइलाइट्स देने की कोशिश कर रही हूँ आईब्रोज़ के ऊपर, यानी कि माथे पे, नोज़ पे और गाल के ऊपर। दोनों शेड्स को अलग अलग ना छोड़कर हमें आपस में मिक्स कर देना है, यानी कि ये अलग से पता ना चले कि कहाँ डार्क है और कहाँ लाइट है, ये मिक्स हो जाने चाहिए। हमें इनको एक दूसरे में मर्ज कर देना है। फेस का दूसरा साइड जो है इसको मैं थोड़ा सा डार्क दिखाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले इस एरिया को गीला कर रही हूँ और ये मैंने बेस कलर लगाया है। ये सेम बेस कलर है जो मैंने पहले वाले फेस एरिया पे लगाया था। और जब ये कलर गीला है तभी मैं ये डार्कर शेड इस पे डाल रही हूँ। ये हल्का सा डार्क है, अभी आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन इस एरिया को मुझे डार्क करना है और डार्क करना है। और दोस्तों ये तो फेस की अभी बिगनिंग है, अभी इसको रियलिस्टिक लुक देने में बहुत सारे राउंड्स होंगे, और इस प्रक्रिया को मैं तब तक करूँगी जब तक कि मुझे डिज़ायर्ड लुक नहीं मिल जाता। इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझने के लिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और जब आप खुद बनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका सरफेस गीला हो जब आप उसके ऊपर शेडिंग या कलर मिक्सिंग की कोशिश करें, तो अदरवाइज़ ये पैचेस रह जाएंगे। और आप देखिए हर बार मैं सरफेस को गीला करती हूँ उसके बाद ही मैं उसके ऊपर कोई कलर लगाती हूँ, अदरवाइज़ अच्छे से मिक्स नहीं होगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें। Thank you.
दोस्तों मैंने कोशिश तो की है कि फेस की शेडिंग और रियलिस्टिक फेस बनाना मैं आपको अच्छी तरह सिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो भी आप ये पेंटिंग बना सकते हैं। आप सिंपली राधा कृष्ण के फेस में जो भी कलर आपको चाहिए, स्किन कलर और ब्लू कलर, ब्लैक कलर कृष्ण जी को करने के लिए जो भी चाहिए वो सिंपली ऐसे ही कर दीजिएगा। और जैसे कि आप एक साइड का फेस जो है उसको डार्क कर दिया आपने और दूसरा लाइट कर दिया, माथे को थोड़ा और लाइटर रखिए और नोज़ को, और मत कलर मिक्सिंग करिए अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो भी ये पेंटिंग अच्छी लगेगी। ऐसे भी करके देख सकते हैं आप। गर्दन को भी हम सेम स्टाइल में करेंगे। आपने देखा कि मैंने सरफेस को गीला किया और अब मैं ये डार्क ब्राउन कलर से पहले आउटलाइन कर ले रही हूँ अंदर, और इसके अंदर मैं एक बेस कलर दूंगी और शेडिंग करूंगी हल्की सी। आप इसमें भी शेडिंग मिस कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है। वैसे तो बहुत ईजी है शेडिंग करना, और आप एक दो बार देखेंगे वीडियो तो सीख जाएंगे अच्छी तरह से, और प्रैक्टिस करने से कोई चीज़ आ जाती है हमें। लेकिन आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि एक साइड डार्क कर दिया और एक साइड लाइट कर दिया, आप ट्राई करेंगे तो शेडिंग भी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि मैंने पहले डार्क आउटलाइन की, फिर एक बेस कलर दिया, फिर लाइटर शेड डालकर और एक तरफ डार्क शेड डालकर मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना होता है कि दोनों शेड आपस में मर्ज हो जाएं। हाथ की कलरिंग के लिए मैं सबसे पहले जो ब्लैक आउटलाइन हमने की है उसके अंदर ब्राउन से आउटलाइन कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं एक बेस कलर दूंगी। बेस कलर के लिए मैंने थोड़ा डार्क स्किन कलर बनाया है और इसके ऊपर लाइटर से हम शेडिंग करेंगे। दोस्तों इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। कुछ पार्ट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। बिंदी में मैंने ये प्योर रेड इस्तेमाल किया है।
और लिप को कलर करने के लिए भी हम यही सेम कलर इस्तेमाल करेंगे। बाद में लोअर लिप को मैं थोड़ा सा लाइटर शेड दूंगी। ज्वेलरी को हम सिंपली वाइट या येलो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कलरफुल करेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए मैंने इसमें कुछ कलर्स इस्तेमाल करने की प्लानिंग की है। तो देखिए, मैं ये पहले तो रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये लाइट पर्पल है जो कि हमने फ्लावर्स में यूज़ किया है और बॉर्डर में यूज़ किया है, सेम कलर है और ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगेगा बाकी सारी चीज़ों के साथ। ये सेम ग्रीन कलर है जो मैंने बॉर्डर में यूज़ किया है और पिकॉक में भी यूज़ किया है। कृष्ण जी के मोर पंख में भी हमने यही ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। ये सेम ब्लू कलर है जो हमने कृष्ण जी के फेस को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया और पीकॉक की गर्दन में यूज़ किया है, और ये ऑरेंज कलर है। ये प्योर येलो कलर है दोस्तों जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों, ये ग्रीन में हल्का सा वाइट मिलाकर मैंने लाइटर शेड बनाया है जिसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। राधा जी के थोड़े बिखरे हुए बाल बनाते हैं और बाकी चीज़ों की भी ब्लैक आउटलाइनिंग फिर से करनी पड़ेगी, जैसे कि नथ वगैरह पे फेस कलर हो गया है तो हम इसको फिर से ब्लैक कलर कर देंगे और आईब्रोज, आई लैशेज वगैरह सबको ब्लैक करना है। तो ये हम अब इनके फेस को और बॉडी को फिनिशिंग टच दे रहे हैं। फेस पे ये सब वर्क करते हुए दोस्तों बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि जरा सी गलती हुई और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो बहुत ध्यान से ये सारी चीजें करनी चाहिए, और अगर
फिर भी कुछ बिगड़ गया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको बताऊंगी कि उसका करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। नेल्स को रेड कर देते हैं। क्रिस जी की पगड़ी को थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ी शेडिंग करेंगे और इसको भी रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं ब्लैक से कुछ लाइंस बना रही हूँ। दोस्तों, पगड़ी किसी कपड़े को रोल कर करके बनाई जाती है, तो उसमें हम ये फोल्ड्स दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ब्लैक से आउटलाइन कर ले रही हूँ और ये ब्लैक से मैं ये फोल्ड्स दिखा रही हूँ। पगड़ी में शेडिंग के लिए दो कलर इस्तेमाल करेंगे। एक तो मैंने रेड में हल्का सा ब्लैक मिलाकर डार्कर शेड बनाया है और दूसरा प्योर वाइट रखेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो पगड़ी की शेडिंग मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली रेड भी ये बहुत सुंदर लग रहा था। राधा जी के ब्लाउज में ये मैं ग्रीन डॉट्स बना रही हूँ, सिंपली इसको थोड़ा सा पैटर्न देने के लिए। मोरपंख के ऑरेंज के अंदर मैंने रेड से लाइन बनाई है। दोस्तों, अब ये पेंटिंग बस कंप्लीट होने वाली है। इसमें हमने जो वाइट एरियाज छोड़े हैं उनके ऊपर एक वाइट कलर दे देंगे, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मैं वाइट कलर से सारे वाइट एरियाज को पहले कलर करूँगी। आप चाहे तो इस स्टेप को मिस भी कर सकते हैं, लेकिन कर देने से ये ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि एक नीट एंड क्लीन लुक आ जाता है वाइट का।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब सारी पेंटिंग की हमें ब्लैक आउटलाइनिंग एक बार फिर से करनी है। मैं ब्रश और कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों, मैंने ये पेंटिंग कैनवस पेज पर बनाई है, और वैसे तो हम ये सारी आउटलाइनिंग के लिए परमानेंट मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। परमानेंट मार्कर भी दो तरह के होते हैं, पतले और मोटे निब वाले। पतले परमानेंट मार्कर कैनवस पेज पर बहुत अच्छी तरह नहीं चलते और उससे अच्छा ब्रश का लुक आता है, इसलिए मैं ये बिल्कुल पतले टिप वाला ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ ये बारीक वर्क को करने के लिए। आउटलाइन करते हुए भी दोस्तों बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, सारी चीज़ें कलर कर ली हैं। अब मिस्टेक करने का मतलब होगा कि फिर से उसका करेक्शन करना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत सावधानी से धीरे धीरे करें। मैं तो आपको वीडियो थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगता है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया है। लेकिन आप बहुत आराम से धीरे धीरे ये आउटलाइन कीजिएगा, और जो बारीक चीज़ें हैं उनकी हम ब्रश से आउटलाइन कर ले रहे हैं, और बाकी चीज़ों की आप मोटे परमानेंट मार्कर से भी आउटलाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि वो थोड़ा पतला ही चले, उसको बहुत दबाएंगे तो वो मोटा चलेगा और थोड़ा प्रेस करेंगे तो वो पतला भी चलेगा। जैसे कि मैंने ये यूज़ करके आपको दिखा दिया है। मोस्टली मैं कलर और ब्रश ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कलर और ब्रश इस्तेमाल करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली कलर करने के बाद, क्योंकि पेंटिंग आपकी ख़राब हो सकती है अगर आपका कंट्रोल नहीं है। तो फिर आप मोटा परमानेंट मार्कर इस्तेमाल कीजिए अगर आपने कैनवस पेज पर बनाया है। अगर आपने चार्ट पेपर या ड्राइंग बुक में बनाया है तब तो आप पतला परमानेंट मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छी तरह चलेगा। अदरवाइज़ आप मोटा परमानेंट मार्कर इस्तेमाल कीजिए, बस उसको बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा। पेंटिंग हमारी तैयार हो चुकी है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ बनाया होगा।
तो फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, और हम बनाएंगे कुछ नया। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।